चार राज्यों में हो रहे चुनावों में जीत कांग्रेस की ही होगी ऐसा शत प्रतिशत दावा करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस में किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। वे रविवार को नागपुर आए जिस दौरान एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से संवाद साधा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हाल ही में हमला किया गया, कांग्रेस ऐसे हमलों का समर्थन नहीं करती है। हालांकि कांग्रेस इनमें से किसी भी हमले का समर्थन नहीं करती है ऐसा वक्तव्य कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने किया। हिंसा का समर्थन करते नहीं है और घटना जिस तरह से बताई जा रही है उसकी वास्तविकता जब आएंगे उसके ऊपर के हम उसके ऊपर बात करेंगे। चंद्रशेखर बावनकुए पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इस पर नाना पटोले ने कहा, मैं भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करता। अगर किसी के घर में पैसा जा रहा है तो मैंने कुछ नहीं रखा है, जैसा आप करते हैं वैसा ही आपको भुगतना पड़ता है। उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि मैं कोई जांच अधिकारी नहीं हूँ, मुझे इस घटना की जानकारी नहीं है। मी भ्रष्टाचाराच्या कधी मदत राहिलो नाही आणि भ्रष्टाचाराचं कधी समर्थन केलं नाही। त्याच्यामुळे कोणाच्या घरी पैसे निघत असतील तर काय मी त्याच्या घरात पैसे नेऊन ठेवले असेल? त्याच्यामुळे जे काही असेल, जी करणी जशी केली असेल ते भोगावं लागेल। नाना पटोले ने आशा व्यक्त की कि कांग्रेस गोवा, पंजाब, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतेगी। वहीं उन्होंने दावा किया कि इन चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ही आएगी। चार विधानसभा स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस जीतेंगे, उसमें गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं आएंगी, इस तरह का माहौल। नागपुर में आने वाले कुछ समय में चुनाव होने वाले हैं, वहीं प्रभाग रचना में भी बदलाव किया गया है। इस पर प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अपना मत व्यक्त किया। कि प्रभाग रचना त्याचे एक नियम आहे की ही नैसर्गिक पद्धतीने व्हावी, कारण की त्याच्या मधला उद्देशच असा असतो की त्या भागातल्या लोकप्रतिनिधीला त्या भागातल्या लोकांशी संपर्क साधता यावा, जनतेची कामं व्हावी, त्या भागाचा विकास व्हावा, ही संकल्पना त्याच्यातली आहे। मागच्या काळात सत्तेचा दुरुपयोग करून भाजपनी या शहराचं पूर्ण प्रभाग रचनाच बिघडून टाकलेली होती। आत्ता नेमकी ही प्रभाग रचना कशी झालेली आहे, काय झालेली आहे, त्याच्याबद्दलची मला अजून अपडेट नाही, पण प्रभाग रचना समजा नैसर्गिक पद्धतीने झाली असेल तर त्याचं समर्थनच केलं। गुटबाजी को लेकर बात करते हुए नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस में किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।